हाँ गाइस, अगर आप अपने घर के अंदर इंटीरियर या रेनोवेशन का या कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं तो जब मार्केट में आप कोई भी मटेरियल परचेज करने चाहते हैं तो हम नॉर्मली शॉप पे जाते हैं, मटेरियल खरीदते हैं और लेके आ जाते हैं। बट क्या हमने कभी ये चेक करने की कोशिश करी कि जो मटेरियल हम खरीद रहे हैं क्या वो सही है भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के अंदर डुप्लीकेट मटेरियल जो घूम रहा है वो आपने गलती से खरीद ली? तो डोंट वरी, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वो सिंपल सी ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू जब भी आप मटेरियल खरीदेंगे तब आप इजीली पता लगा पाएंगे कि ये मटेरियल डुप्लीकेट तो नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एंटी कोच पे और मैं आपका एंटी कोच एंड एंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो ऐसे में करीब 7 से 8 आइटम लेके आया हूं जो बहुत महंगे होते हैं लेकिन साथ के साथ मार्केट में डुप्लीकेसी के नाम पे बहुत तरीके से घूम रहे हैं। जब मैंने पहले ये एक वीडियो बनाया था तब लोगों के कमेंट्स काफी आए थे कि नहीं यार, इतना फेक थोड़ी चलता है। तो आज मैं आपको पहले प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद मटेरियल डुप्लीकेट दिखाऊंगा और फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैसे आप ये चुटकियों में पता लगा सकते हैं विदिन 5 सेकंड्स कि ये मटेरियल असली है या नहीं। तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल जाओ, तो अभी नीचे सबसे पहले लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, तो हमें भी एक मोटिवेशन और बूस्ट मिलता रहेगा और भी हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लाईवुड। अब प्लाईवुड से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि भाई पूरे घर में सबसे महंगा जो काम होता है ना वो लकड़ी का ही होता है। तो अगर आप मार्केट में सेंचुरी, ग्रीन या इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की प्लाई लेने जा रहे हो तो कभी आपने सोचने की कोशिश करी, आपका कॉन्ट्रैक्टर लेके आ रहा है, आपने सोचने की कोशिश करी कि नकली तो नहीं? तो सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखो और ऐसी मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट है। तो दिल्ली से आई टीम भी छापेमारी कर रही है, तो प्लाईवुड कारोबारियों पर छापा पड़ा है। तो ये तो आपने रिपोर्ट देखी जो मार्केट में ही घूम रहा है और न्यूज वाले भी कैप्चर कर रहे हैं। अब आप मटेरियल फेक देखो कि कैसे बड़े प्यार से नॉर्मल प्लाईवुड के ऊपर प्रिंटिंग चल रही है धड़ल्ले से। तो अब दो प्रूफ मैंने आपको दे दिए, लेकिन हम है स्मार्ट कस्टमर, हम अपने साथ किसी भी टाइप का स्कैम नहीं होने देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो चीज चेक करनी है, दो चीजें होती है यार, एक तो होती है प्लाई और एक होता है प्लाई बोर्ड या ब्लॉक बोर्ड जिसे बोलते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में है ये है प्लाई। पता कैसे लगेगा, ये देख रहे हो, प्लाई क्या होता है, नंबर ऑफ शीट्स को आपस में चिपकाया जाता है। एक अच्छी और ओरिजिनल कंपनी की प्लाई का मकसद सिर्फ एक होता है कि ये शीट आपस में इतने अच्छे से चिपकी रहे कि कभी भी इनके जॉइंट ना खुले, इनमें क्रैक ना आए और आपकी प्लाई फूले नहीं। बस जितना अच्छा ब्रांड होगा उसके बीच का एडहेसिव इनको चिपकाने के लिए वो उतना ही बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो ये MR ग्रेड की प्लाई है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इसको पता लगाने का सिंपल ट्रिक है, जो ये जॉइंट्स देख रहे हो, लाइंस देख रहे हो, परफेक्टली सीमलेस होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल सीधी, कहीं से भी बीच में किसी भी टाइप का टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। और अगर टेढ़ापन है तो मतलब कि यहाँ पे गड़बड़ है। दूसरा, आप ये फील करके पता लगा सकते हो कि जब आप इसके ऊपर हाथ ऐसे रफ करोगे, ऐसे रफ करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नकली प्लाई में क्या होता है कि जैसे आप करोगे तो आपको ना जैसे निडल होता है ना सुई, ऐसे प्लाई चुभने लग जाएगी। अगर ऐसे चुभ रही है तो मतलब कि उसकी जो प्लाई है, जो लकड़ी है, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है और वो आपको नहीं लेनी है। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर उस टाइप की प्लाई लाया है तो उसको भी वहां से हटा दे। ये तो थी प्लाई की बात। अब ये है ब्लॉक बोर्ड। अब देखने में दोनों सेम है, ये भी अगेन ओरिजिनल है, लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बीच में ये गैप्स हैं, मैं एक बार कैमरे पे पास लेके आता हूं। अब ये बीच में लाइंस देख रहे हो, होता क्या है कि प्लाई के केस में नंबर ऑफ शीट्स थी, लेकिन इस केस में एक लेयर ऊपर होती है, एक लेयर नीचे होती है और बीच में नंबर ऑफ स्टिक्स होती हैं। तो ये जितनी लाइन क्लोज होंगी उतना ही अच्छा बोर्ड होगा। तो बस इसमें सिंपल ये देखना है कि अगर यहाँ पे गैप 3 mm 4 mm, मतलब कि इतना सा गैप अगर ज्यादा है, मतलब कि वो घटिया है, वो नहीं लेना है। और सरफेस के लगे वही ट्रिक यूज करनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। अब बात करते हैं पेंट की। आपने भाई एशियन पेंट्स के सुने होंगे, रॉयल, रॉयल शाइन, जिनकी 20 लीटर की बकेट करीब करीब 12,000, 13,000, 14,000 की आती है। और सोचो आप खरीद के ले आए और आपके घर में नकली आ गया तो। और इसका शिकार मैं हो चुका हूँ, क्योंकि जब मैं शुरुआत में कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो मेरे को क्या पता था, मैं तो नॉर्मल शॉप पे गया, रॉयल पेंट की बाल्टी ली, लेके आके रॉयल कर दिया। लेकिन जो मैं सोचता यार एशियन पेंट्स भी ऐसी बेकार कंपनी है, कोई स्मूथनेस आती नहीं। लेकिन दूसरी साइड पे जब मैंने किसी और शॉप से बकेट लिया तो यार ये तो अलग फर्क है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जरा ये रील देखो। अब ये रील आपने देखी, अब आप न्यूज देख लो। पहले आपने नकली मटेरियल देख लिया कि कैसे नकली मटेरियल घर पे बन रहा है। भाई अगेन, छोटो, रॉयल की बाल्टी है,
नहीं है सर, तो एक काम कर, ट्रैक्टर मैलजन में रॉयल का स्टिकर लगा दे। तो यहाँ पे अगेन 2500 की बाल्टी पे 10000 का स्टिकर लग के आपको बेच दिया जाता है। तो रॉयल पेंट को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, जब आपके घर में पेंट होगा तो आप जब उस पर आप हाथ लगाओगे तो सिल्क फिनिश आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरा, मैं अब आपके सामने एक पीडीएफ फाइल लेके आ रहा हूँ जिसमें मैंने वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मैंने डॉक्यूमेंट अगेन इंटरनेट से निकाले हैं, जिस कंपनी है जो पता ही यही लगाती है कि ब्रांड एंड फेक्स के नाम से ही कंपनी है। तो पीडीएफ फाइल आप देखोगे तो जो सबसे पहला पेज है इसमें देख रहे हो लेफ्ट और राइट, रिसीव फ्रॉम मार्केट और ओरिजिनल में क्या फर्क है। तो ये मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लिया है, आप चाहो तो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सिंपल सा तरीका है हमेशा पता लगाने का, वो ये है कि बाल्टी जो है प्रॉपर सील्ड होनी चाहिए, और दूसरा जो उसके फॉन्ट्स हैं वो इजीली लिखे हुए साफ साफ प्रिंटिंग में होते हैं। थर्ड आता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब कि जो सेफ्टी से कंसर्न है, और वो है वायर्स। कि अगर आपने घर में डुप्लीकेट वायर गलती से लगा ली तो फिर आपके साथ हो सकता है हादसा कल को, अगर आपने ज्यादा लोड डाला और वायर उस लोड की कैपेसिटी की नाम के लिए तो है बट उतना लोड ले नहीं पा रही और वायर जल गई। तो अब हम वायर के करेंगे टेस्ट। तो वायर की कॉपर क्वालिटी को पता करने के लिए सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है फ्लेम टेस्ट। इसमें जब हम जिप्पो लाइटर जिसमें फ्लेम निकलती है, अगर उससे हम जब कॉपर को जलाएंगे, अगर ऑरेंज फ्लेम निकली मतलब कि ओरिजिनल, ग्रीन फ्लेम निकली तो कि मतलब लोकल। दूसरा तरीका सेम इसमें क्या है कि ओरिजिनल कॉपर वायर पर जब हम आग लगाएंगे तो होगा क्या कि वायर जो है सीधी खड़ी रहेंगी, लेकिन अगर लोकल हुई तो वायर जो है वो तुरंत बेंड हो जाएंगी, जैसा कि आप रील में साथ के साथ देख रहे हो। सेकंड जो टेस्ट होता है वो होता है कि हमारा कलर टेस्ट, मतलब हमें करना क्या है, वायर को थोड़ा सा आगे से इतना छील लेना है, उसके बाद किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को लेना है। अब मेरे पास कुछ शार्प ऑब्जेक्ट था नहीं, वैसे आप चाकू ले सकते हो, नहीं तो मैंने प्लायर ले लिया, प्लास ले लिया। अब इसको जब हम यहाँ पे मैं नीचे रख के जोर जोर से ऐसे ऐसे घिसूंगा तो घिसने के बाद अगर इसका कलर फेड हो गया तो मतलब कि लोकल है और नहीं उड़ा मतलब कि ओरिजिनल है। और मैंने जब इसको घिसा तो इसका ऑलरेडी कलर, आप पता है ये बहुत पतली तार है, कैमरे में कैप्चर मुश्किल होंगी, बट आई विल ट्राई कि इसका थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो उड़ गया है, मतलब ब्लैकिश सा आने लग गया है। इसका मतलब पुरानी वायर्स पे कॉपर की कोटिंग करके अंदर वायर में डाल दी गया। मैं इस वायर का नाम नहीं बता सकता, ब्रांड मेरे सामने जस्ट रखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो आता है कि भाई जिससे हर कोई परेशान है वो है प्लंबिंग के पाइप्स। दैट्स राइट कि यार हम अपने घर में पेंट अच्छा, वुडन वर्क अच्छा, फ्लोरिंग अच्छा, इटालियन शिटालियन डाल दिया और पता लगा घर में सीलन आ गई। अब इसमें कॉन्ट्रेक्टर को भी नहीं पता होता कि यार जो मटेरियल प्रोक्योर कर रहा है आपके आसपास की शॉप से, वही शॉप वाला अगर असली गुनहगार निकला तब क्या करेंगे। तो सिंपल सी ट्रिक है कि पाइप को अगर पहचानना है तो सबसे पहले पाइप पे फॉन्ट्स देखो। राइट, ये एकदम क्लियर फॉन्ट्स होने चाहिए, बिल्कुल साफ साफ इस पर लिखा होता है, इतनी सारी डिटेलिंग इस पे होनी चाहिए, मतलब कि ये ओरिजिनल पाइप है और एज पर गवर्नमेंट रूल्स ये हर पाइप पे लिखा ही होगा। ऐसी इसकी फिटिंग्स है जिसपे ये जो फिटिंग्स के लेटर्स हैं बोल्ड लेटर्स, ये प्रोजेक्टेड होंगे जैसे कि आप अगेन इसमें देख रहे हो। तो अगर ये सारा कंटेंट एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है, तो मतलब कि ये ओरिजिनल क्वालिटी के पाइप्स हैं। और अगर लोकल डल गए तो जरा पहले प्रूफ देख लो। तो अगर पाइप नकली लग गए तो आप के पाइप में जो गीजर का पाइप है उसमें जब गर्म पानी रन करेगा तो कुछ पाइप की हालत हो जाएगी ऐसी। तो ये तो हुई कुछ वो बातें जो घर के इंटरनल्स में। अब इसमें और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं बट मुझे नहीं पता कि आपको इस वीडियो में इतना इंटरेस्टेड होगा या नहीं, तो अगर आप कहोगे तो मैं इसका पार्ट टू भी लेके आ जाऊंगा जिसमें और डिटेल में हम इसमें जाएंगे। लेकिन जो अब सेकंड आता है वो होता है मेन, जो कि बिल्डिंग की जान है, जिससे भाई इंटीरियर और मेकअप तो ठीक है लेकिन अगर बिल्डिंग ही गिर गई तो प्रूफ देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर में सरिया। अब ये हमारा यहाँ पे इंजीनियर साइट सुपरविजन कर रहा है जहाँ हम रेगुलर विजिट पे जाते हैं। सबसे पहले अब ये प्रूफ देखो, ये सरिया हमारी साइट पर बिल्डर ने ऑर्डर करा है और इसने राठी का सरिया मंगाया है, और आप इसका ISI मार्क देख करके ही जान जाओगे कि ये सरिया आपका नॉन ब्रांडेड है। ये देखिए, अब फर्स्ट जो चीज है इसमें ISI मार्क बिल्कुल क्लियर बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा अक्षर है मतलब कि वो सेकंड हैंड सरिया है, मतलब कि पुराने सरिया जो बिल्डिंग डेमोलिशन से निकला है उसको वापस कास्ट करके मोल्ड करके और आपको बेच दिया गया है। सेकंड जो है उस पर प्रॉपर डिटेल, जैसे कि अभी फोटो में देख पा रहे हो, प्रॉपर डिटेल्स उसके अंदर सरिया की लिखी होनी चाहिए। सेकंड है आपका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सरिया के बाद क्या आता है कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट। दैट्स राइट कि सीमेंट असली और नकली तो नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना क्योंकि सीमेंट इकलौती ऐसी चीज है जो पूरे घर में यूज होगी फ्रॉम स्क्रैच टिल हैंडओवर तक। तो सीमेंट को चेक करने की सबसे पहली ट्रिक है वो है उसकी डेट, कि उस पे जो डेट मेंशन हो रखी है
वो कब की है, क्योंकि सीमेंट अगर जैसे ही 3 महीने पुराना होता है तो 50-60% स्ट्रेंथ ऑलरेडी खो चुका होता है, तो आपको 1 महीने से ज्यादा या मैक्स टू मैक्स 2 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट लेना ही नहीं। दूसरा, कई बार सीमेंट जो आता है वो आपका मॉइस्चर कंटेंट के कॉन्टेक्ट में अगर आ गया तो दिक्कत है, मतलब सीमेंट में हल्का सा भी मॉइस्चर आया तो उसमें लम्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टर के अंदर छेद होने लग जाते हैं, कंक्रीट के अंदर छेद होने लगते हैं, और कहीं से भी अगर हल्का फुल्का पानी आया तो वहां से आने लग जाता है। तो हमेशा जब भी सीमेंट आए तो नॉर्मली हर बैग में नहीं, 1-2 बैग में आप देख लो, जितनी बार आपके शोरूम से या शॉप से डिलीवरी आएगी उतनी बार सिर्फ 1 बैग को खोलना है, जब भी लेबर खोल रही है उसमें से देख लो कोई लम्स तो नहीं है, अपने लेबर को बोल दो यार हाथ में रखेगा ऐसे चेक करेगा पता लग जाएगा। तीसरी एक ट्रिक चलो और दे देता हूँ, सीमेंट हमेशा ठंडा रहता है तो सीमेंट के बैग के अंदर जब आप हाथ डालोगे तो सीमेंट हमेशा ठंडा रहना चाहिए। अब ये तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा बट मेरे दिमाग में आ गई तो मैं सोच चलो दे ही देते हैं। नेक्स्ट जो आता है जो पिक्चर का बड़ा ही अच्छा डायलॉग है कि हम है सीधे साधे कॉन्ट्रैक्टर, सीमेंट चाहे अंबुजा हो अल्ट्राटेक ईट से ईट जुड़नी चाहिए। कमेंट करके बताओ कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, और थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, पहला मूवी का लेटर है तनु। तो अब ब्रिक की क्वालिटी करने के लिए 2 तरीके होते हैं, सबसे पहले मेटलिक साउंड, तो यहाँ पे आपको ईटो को लेना है और ईटो को आपस में ऐसे बजा के देखना है, मेटलिक साउंड आ रही है तो मतलब कि ईट आपकी बड़ी प्यारी है और बहुत ही सॉलिड है। ये क्लिप देखो। सेकेंड जो ट्रिक है, बस आपको करना क्या है, ईट जो है ब्रिक जो है वो आपकी कलर जितना ज्यादा रेड होगा उतनी ही घटिया ईट होगी, वो नहीं लेनी है। जिस ब्रिक का कलर रेड और थोड़ा सा येलोइश होगा मतलब कि वो सबसे अच्छी ईट है। तो गाइस अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, अब मुझे ये नहीं पता कि सेकंड पार्ट में और कितनी डिटेल्स में मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह पे जाना और हिडन कैमरे से रिकॉर्ड करना भी एक टास्क, ये ना हो कि मुंह पे डाला काला कपड़ा और मेरे को पकड़ के लेके। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी अगर ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो सेकंड पार्ट के लिए डेफिनेटली कमेंट कर देना, हम वीडियो लेके आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले सीरीज स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर की, भैया घर क्रैच से मतलब अगर फ्लैट हो या अपना इंटीरियर रेनोवेट कर रहे हो तो पहले काम क्या होना चाहिए, अगर नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सीरीज पूरी देख डालना, पूरी सीरीज आ चुकी है और भैया फुल वायरल मोड पे है। तो टिल देन गुड नाइट।